खुद जाके इंग्लैंड बैठ गए, ठीक है, और हमें यहाँ धकेल दिया। लोग नफरत करते हैं आपसे। कोई भी जो है ना गरीब के हमदर्द नहीं है। आई एम आपको कुत्ता नहीं जानती इनको। लीडर वो जो हमारे साथ बैठे यहाँ रहे। नवाज शरीफ जिंदाबाद। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हमारा लीडर जरूर आएगा। भट्टो साहब के और जनरल ज़ियाउल्लाह साहब का टाइम आ चुका है। मियां साहब इंशाल्लाह आएंगे तो सही हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, जेड एक्सिस से मैं हूँ नूरजहां। 21 अक्टूबर को मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां नवाज शरीफ आ रहे हैं, तो हम लोग आवाम से उनकी राय जानेंगे कि क्या वो उनके इस्तकबाल के लिए जाते हैं या नहीं जाते हैं। आइए हमारे साथ। 21 अक्टूबर को मियां साहब वापस आ रहे हैं, तो आप जाएंगे इस्तकबाल? इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। आप समझते हैं मुल्क के हालात ठीक नहीं? सही। किसकी हुकूमत? मियां साहब इंशाल्लाह आएंगे तो सही हो जाएंगे, अल्लाह के हुक्म से सही होंगे इंशाल्लाह। अगर वो वोट लेके फिर से बाहर चले गए? नहीं जाएंगे, काम होगा इंशाल्लाह। पहले भी काम हुआ था, अब भी काम होगा इंशाल्लाह। तो अभी तो वो दवाई लेने गए, अभी तक वापस नहीं आ रहे हैं ना? 21 अक्टूबर को आ रहे हैं इंशाल्लाह, जरूर आएंगे और इस्तकबाल के लिए जाएंगे। क्या गारंटी है आपको कि वो आएंगे इंशाल्लाह? उम्मीद तो दुनिया कायम है ना, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हमारा लीडर जरूर आएगा। नवाज शरीफ जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। 21 अक्टूबर को आपको पता है नवाज शरीफ आ रहे हैं, तो आप जाएंगे उनके इस्तकबाल के लिए? इंशाल्लाह मियां साहब नहीं आएंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन ये कि नैब के केस खुल रहे हैं, तो कहते हो पंजाबी की कहावत है दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए सजना मिट जाना। तो मियां साहब आप ये मत सोचें कि आप आएंगे तो लोग आपको वेलकम करेंगे, आपको तो लिबर्टी में आप लोगों के फैन हो। लोग नफरत करते हैं आपसे, समझ आ गई? और लोग जानते हैं कि मरीम का पापा लंदन, मरीम का चाचू लंदन, मरीम का भाई लंदन, आयरलैंड में आपके प्लाजे, लंदन में आपके प्लाजे। अमर भाई अगर आप इंटरनेशनल बिजनेसमैन हो, पाकिस्तान में क्यों आते हैं? यहाँ सिर्फ आप लोग यहाँ सिर्फ अपने केस साफ करवाने आए हैं, सिर्फ यहाँ आप लोग मारा मारी करने आए हैं, दुनिया सारी जानती है। और यकीन माने मुल्क में हालात वो हो चुके हैं कि आप लोगों की सोच ख़त्म हो जाए। एक साल पहले यहाँ मुर्गी हमने राज किया, इंटरनेशनल काम किया, यहाँ ये आपके सेवना मंडी जीरो लेवल हो चुकी है। सब्जियों वाले तांगे हैं, मुर्गियों वाले तांगे हैं, कस्टमर तांगे हैं। क्या करना चाहेंगे आप? ऊपर से आपने इदारों को, और मैं नहीं कहना चाहता उल्फाज कुछ हैं, लेकिन भट्टो साहब के और जनरल ज़ियाउल्लाह साहब का टाइम आ चुका है। ये जो लोग कहते हैं कि इन्होंने लाहौर चेंज कर दिया, मेट्रो बना दी, ऑरेंज ट्रेन बना दी, स्पीडो बना दी, इसके क्या कहेंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, ज़रूरी आते हैं। ये तो तुर्की ने बनाया है, इन्होंने क्या बनाया? ये तो टैक्सेस खाते हैं, सरिया बेच दिए, सीमेंट बेच दिए, इन्होंने लगाया क्या इन्होंने? आप 2015 में देख लें कि कर IMF का क्या हालात है, और आज IMF को कुत्ता नहीं जानती इनको। अगर आज IMF कहते हैं कि 500 पेट्रोल कर दो, तो ये मजबूर है, तो बेचारे काने उनके चमचे हैं, चेरी पलस क्यों कहते हैं हम इनको? ये लोग आज भी मजबूर हैं, कल भी मजबूर हैं, लेकिन अगर कोई सच्चा लीडर बात करे तो वो जनाब जेल जाता है। मुल्क किस तरह हमारा दिवाली हो चुका है, और दुआ करें कि हम श्रीलंका की तरफ ना जाएं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। 21 अक्टूबर को मियां साहब वापस आ रहे हैं, हम जाएंगे एयरपोर्ट पे इस्तकबाल? नहीं। क्यों? मैं जाना ही नहीं चाहता उनके लिए, क्योंकि वो मुझे ज़ाती तौर पर ये कोई भी हुक्मरान मुझे पसंद नहीं है जो हमारे मुल्क और हमारी कौम को इस नहज पर ला के खड़ा कर दिया है कि लोग भूखों मर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे हुक्मरान को हमने क्या करना? लीडर वो जो हमारे साथ बैठे यहाँ रहे, धूप छाँव बारिश हमारे साथ झेले, ये नहीं है कि खुद जाके इंग्लैंड बैठ गए, ठीक है, और हमें यहाँ धकेल दिया। तुहानू पता है 21 नू आ रहे हैं, नवाज शरीफ तुसी जाना इस्तकबाल दे? अच्छा बंदा, नेक है, दुनिया से अच्छा आवे दा बंदा हो, सारे दुनिया का माहौल खराब हो पे है, गरीब आदमी मरदे पे, बिल मेरे मीटर लग गए, बिल 60,000 रुपया बिल आया है, कला बंदा कमावन वाला। आपको पता है 21 को नवाज शरीफ आ रहे हैं, तो आप जाएंगे इस्तकबाल? इंशाल्लाह क्यों नहीं जाएंगे। आप उनके सपोर्टर हैं? जी हमारे लीडर हैं। लीडर है, कितना प्यार करते हैं? बहुत ज़्यादा। इतना आप प्यार करते हैं कि बाहर भाग जाते हैं वोट लेके? बाहर तो फिर एक इंसान की फितरत है, वो सब लीडर भाग जाते हैं। नहीं सारे किधर? इमरान खान तो इधर ही। इमरान खान जेल के अंदर है, वो जब वो बाहर आएगा वो भी भाग जाएगा। पहले तो नहीं गया, आपको क्या गारंटी हो जाएगा? नहीं जाएगा, जब नैब उसको पकड़ेगी, जो इसके ऊपर करप्शन के केस हैं तोशाखाना के, और दूसरे वो अपना तोशाखाना का केस तो मरियम नवाज पे भी, वो मरियम नवाज पे उन्होंने छोड़ दिया, केस ख़त्म कर दिया उन्होंने, अपनी हुकूमत में ख़त्म हो गए थे। 21 को आ रहे मियाँ साहब, तो आपने उनके इस्तकबाल के लिए जाने? ये जो अभी तक लोग कौम बेवकूफ़ बनाया और बेवकूफ़ नहीं बनना चाहता, उन्होंने क्या बेवकूफ़ बनाया और किस तरह बेवकूफ़ बनाने? सारे अवाम को जलील कर दिया, मुल्क को तबाह कर दिया, अभी भी लोग मियाँ साहब के नारे लगाते इससे बड़ा बेवकूफ़ और कोई होगा ही नहीं। तो पहले की हुकूमत अच्छी थी नवाज शरीफ की या इमरान खान की? आप किसको सपोर्ट करते हैं? हम इमरान खान को। जी तो आपको लगता है उनकी हुकूमत आएगी वापस? इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। 21 को आ रहे हैं नवाज शरीफ पाकिस्तान, तो आप जाएंगे इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट? जाएंगे, कभी भी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? बस हमारी मर्जी।
हम किसी के सपोर्ट नहीं करते, किसी को भी नहीं करते, इमरान खान को भी नहीं, नहीं करते। सब एक दूसरे से बालातर है, कोई भी जो है ना गरीब के हमदर्द नहीं है। आपको कैसे चाहिए, मतलब कारोबार के हालात पहले कैसे थे, अब कैसे हो गए? अच्छा था और अब जो है ना बिल्कुल नहीं है। किसकी हुकूमत में? इमरान खान की हुकूमत में अच्छा था। मतलब आप ये मानते हैं कि इमरान खान की हुकूमत में अच्छे थे? 21 को आ रहे हैं मियाँ साहब, तो आपने जाना है इस्तकबाल के? नहीं मैंने नहीं जाना। 21 को मियाँ साहब आ रहे हैं, आपने जाना है रिपोर्ट इस्तकबाल के? क्यों, उनको क्या करना? क्यों नहीं करना, वैसे नहीं करना, दिल नहीं करता किसी को सपोर्ट करने को, दिल नहीं करता। जिस तरह की हुकूमत जा रही है, जिस तरह का हमारा मुल्क जा रहा है इस टाइम। तो आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट? किसी भी पार्टी को नहीं करता। वोट नहीं दिया आपने? किसी को भी नहीं दिया। वजह ना देने? बस वैसे दिल ही नहीं करता इनकी हरकतें देख के। कैसी हरकत? सारी ए टू जेड खराब, ऊपर से लेके नीचे तक सब खराब है। तो कैसी सही होनी चाहिए आपको हुक्मरान? कैसा चाहिए? मुझे हुक्मरान बना दे, सब ठीक कर दूंगा मैं। नहीं आप चले, मान ली आपको एक दिन के लिए बना दिया हुक्मरान, क्या करेंगे? सब कुछ ठीक कर दूंगा, जितना भी आपका करप्शन का एरिया, सब कुछ जितना भी आपका इस टाइम गलत जा रहा है ना, सब ठीक हो जाएगा। पहली चीज आप क्या चेंज करेंगे? सबसे पहले तो अपनी जेबें भरने के अलावा? नहीं वो तो हर कोई करता है, ये देखो निगरान जो साहब बैठा वो भी यही कह रहा है हमारा, तो उसके अलावा जो है बकाया हम ऐसा ऐसा कंट्रोल करेंगे महंगाई पे सबसे पहले, तो क्योंकि हम खुद एक वर्कर है इस वजह से। क्या करते हैं? मैं लाना स्कूल में हूँ, पेंट कोड का काम करता हूँ। तो आप क्या चाहते हैं अगली हुकूमत किसकी है? अगली हुकूमत मेरे हिसाब से तो आर्मी की आनी चाहिए, इसके अलावा किसी की भी ना। आपको लगता है आर्मी की हुकूमत आएगी, सेट हो जाएगा? सेट सब कुछ सेट हो जाएगा, क्योंकि आर्मी को मैं बहुत लव करता हूँ।